नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। SECL ने बिना मुआवजा दिए करीब किसानों के ज़मीन से निकाले करोड़ों के कोयले। देवहरा निवासी गगन मिश्रा ने SECL के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि धनपुरी OCM द्वारा गांव के 40 किसानों के सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से कोयला खदान से कोयला निकाल लिया गया है, जबकि सरकार के नियमानुसार पहले ज़मीन के मालिकों को मुआवजा और नौकरी देने का प्रावधान है। बावजूद इसके SECL द्वारा किसानों को कुछ नहीं दिया गया और ना ही बदले में कोई मुआवजा दिया गया। गगन मिश्रा ने शहडोल समाचार को फ़ोन करके बताया कि SECL के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके साथ SECL द्वारा छलावा किया गया है और गांव के अन्य किसान जो कि 40 हैं, जिनके ज़मीन से ओपन कोल माइन से कोयला निकालने का काम होता आ रहा है। धनपुरी OCM के सब एरिया मैनेजर से शहडोल समाचार द्वारा बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। धनपुरी OCM अब बंद होने के कगार में है। ऐसे में इतने दिन तक कोई कैसे रुक सकता था, जबकि आरोप लगाने वाले गगन मिश्रा का कहना है कि वो अपने ज़मीन के मुआवजे के लिए विगत कई वर्षों से SECL के अधिकारियों सहित सभी संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने उनके विषय का निराकरण करने में रुचि नहीं दिखाई। सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देहरा जिला अनूपपुर संभाग शहडोल SECL सुहागपुर क्षेत्र धनपुरी OCA के अंतर्गत 40 गरीब किसान की ज़मीन में अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिनका ना तो सूचना दिया गया है, ना मुआवजा दिया गया है, ना तो रोज़गार दिया गया है, जिसकी शिकायत SECL कंपनी में भी की जा चुकी है। सेवरिया GM तक शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई भी निर्णय या कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। मेरा नाम गगन मिश्रा है। ग्राम देवहरा पे मेरी ज़मीन है, जिसका नंबर है 68/1075। कोल माइंस के द्वारा मेरी ज़मीन पे अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से मैं ज़मीन की गुहार लगाने शासन प्रशासन कलेक्टर SP थाना सबके पास गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन प्रशासन की नज़र मेरी तरफ बिल्कुल नहीं पड़ रही है। यहाँ पे 40 किसानों की ज़मीन है, जिसका ना तो कोल माइंस के द्वारा सूचना दी गई, ना तो मुआवजा दिया गया, और जबरदस्ती किसानों को उनकी ज़मीन से वंचित किया जा रहा है, और किसान आप परेशान हैं, और किसान की ऐसी दशा हो गई है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। और मेरा कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल जी से अनुरोध है कि इस मुद्दे को केंद्र तक ले जाएं और केंद्रीय कोयला मंत्री के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और इसमें किसानों के हक की ये लड़ाई में उनका भरपूर साथ दें और किसानों को उनकी वंचित भूमि का मुआवजा नौकरी दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।